कंटिन्यू करते हैं अपने उसी लेक्चर को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने आपको उसके मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टाइप्स, उसके बाद उसके फंक्शंस, यहाँ तक हम लोग जो है वो लेक्चर कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सोर्सेज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इनकम के, यानी इनकी इनकम कहाँ से आती है जो ये लोग जो हैं अपने फंक्शंस को जो है वो पूरा करते हैं, यानी स्ट्रीट लाइट्स का लगवाना या पार्क्स का बनाना, ये सारा कुछ वो किस तरह से करते हैं, इन्हें पैसे कहाँ से आते हैं। कुछ तो वही बात है कि इन्हें गवर्नमेंट जो है वो बजट देती है। दूसरा जो है इनकी जो इनकम के सोर्स हैं उसमें फर्स्ट ये है कि कलेक्ट करते हैं ये टैक्सेस फ्रॉम हाउसेज एंड लैंड्स, एनुअली करते हैं। आप लोगों को भी पता होगा अगर आपका घर है और 5 मरला पे है या 5 मरला से ज़्यादा है तो एनुअली आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है। उस टैक्स को जो है वो ये आप इसकी इनकम में गिन सकते हैं। इसके अलावा है ये कलेक्ट करता है टैक्सेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कई तरीक़ों से होती है, हिबा करना, आप जो है वो जिसको आप गिफ्ट कहते हैं, या सेल यानी बेचना। तो ये जब आप किसी को बेचते हैं या अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी सूरत में, तो आपको दूसरे बंदे के नाम वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करनी होती है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन में जो आपकी फ़ी आती है या आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो भी इसकी इनकम में आता है। दूसरा आपका होता है कि आपकी कलेक्ट दी फी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। आप जब शादी करते हैं तो शादी की जो रजिस्ट्रेशन है, जब निकाहनामा आपका होता है या निकाह खां आपको कहता है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए आपको जो है वो इतने पैसे देना पड़ेंगे, फिर आपका जो है वो सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा आपका मैरिज का, यानी निकाहनामा आपका, पहले आपका हैंडमेड था अब जो है वो कंप्यूटराइज है। तो इस चीज़ को जो आप फी कहते हैं वो भी इसके सोर्स में आती है, इनकम के सोर्स में। आपके बर्थ सर्टिफिकेट इसमें आते हैं, डेथ सर्टिफिकेट इसमें आते हैं जो आप फ़ी पे करते हैं। इसके अलावा जब आप कोई व्हीकल, यानी आप कोई गाड़ी बाइक कोई जो है वो बस वगैरह ख़रीदते हैं तो रिक्शा वगैरह, तो उसको जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसकी भी जब फ़ी है वो इसकी इनकम में आती है। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स करते हैं, कॉलेजेस, तो वो भी इसमें आता है। फ़ी ऑन टावर, ये जो आप टावर वगैरह लगवाते हैं किसी भी नेटवर्क के, क्या जैज के, टेलीनॉर के, जो टावर इनके इलाकों में लगते हैं उससे भी ये जो है उनसे भी क्या करते हैं फ़ी कलेक्ट करते हैं, वो भी इसकी इनकम में आता है। इसके अलावा कलेक्ट करते हैं ये लाइसेंस फ़ी, जो आप लाइसेंस इशू करवाते हैं वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर आप लाइसेंस लेंगे तो उसकी भी फ़ी आपको पे करना पड़ती है। तो ये फ़ी जो है ये इनके सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। इसके अलावा पार्किंग फ़ी, आपके गवर्नमेंटल एरियाज़ में जहाँ आप जाते हैं, लाइक कोई हॉस्पिटल है या कोई आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका कोई ऐसी मार्केट है या आपके कोई गार्डन वगैरह हैं, पार्क वगैरह जो कि पब्लिक प्लेस हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो वहाँ जो पार्किंग वगैरह होगी उससे भी जो ये फ़ी कलेक्ट करते हैं वो इनके सोर्सेज में आती है। हमने जो बात की वो ये थी, फंक्शंस हम बात कर चुके हैं, आज हमने बात की कि इनकी जो इनकम है उसके सोर्सेज क्या हैं। तो इसी तरह आपने जो है वन बाय वन बता रहे हैं कि इन जगहों से कलेक्ट करते हुए इनकी फ़ी जो है ये इनके सोर्स बनते हैं, ये सारे सोर्स हैं, और ये जो फ़ी कलेक्ट करते हैं वो इनकी इनकम बन जाती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि पाकिस्तान के दौर में कब कब जो है वो बेसिक डेमोक्रेसी या सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वजूद रहा, किन किन दौर में। आज तक की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये ज़्यादातर तब तब हुए जब जब आपकी आर्मी सामने आई, क्योंकि बहुत कम दौर है कि आपके दूसरे लोग जो हैं जो आपके मुल्क में जब है माशाल्लाह ना हो या आर्मी में ना हो तो ये काम हुआ हो, वरना ज़्यादातर जो है वो इन लोगों के अदवार में ही ऐसा काम हुआ। तो आपने इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चन आपसे फंक्शंस का हो, क्वेश्चन आपसे सोर्सेज का हो, ये क्वेश्चन आपसे अदवार का हो यानी टेन्योर का, आपको इस पूरे दोनों लेक्चर्स में से जो जो बातें याद हैं वो आप लिख दें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी ये है, फर्स्ट ये हुआ फर्स्ट टाइम 1956 से 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में,
सेकंड टेन्योर इसका माना जाता है 1958 से 69 तक अय्यूब के दौर में, 69 से 71 तक माना जाता है याहिया के दौर में, 71 से 73 ये है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक वक्त का जो माना जाता है। इसके बाद फिर जो है 2001 से 2008 तक मुशर्रफ के दौर में, आज तक आपके जो है ये टेन्योर जो है ये काउंट किए जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो टेन्योर में आते हैं कि इन अदवार में इसको तरक्की भी मिली और इनका काम भी हुआ। तो हमारा जो टॉपिक था वो सोर्स और टेन्योर से रिलेटेड था। हमारा ये जो टॉपिक था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो कम्प्लीट हो गया इन दोनों लेक्चर्स में। आपको क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड आए, फंक्शंस पूछे, सोर्सेज पूछे, टेन्योर पूछे, या वो आपसे सिर्फ ये पूछे कि व्हाट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ये क्या करती है, तो भी आपने इसी चीज़ों को दोनों को पुट करना है अपने लेक्चर में।